टच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा टच काम कर रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और क्लॉक की जो पल्स है फ्रेंड्स पहले बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हम टच कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्लॉक के सारे पल्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं और हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद, अ चिप लेवल मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड ISO 9001 to 2015. Please subscribe our channel and press the bell icon for latest videos. Thank you very much. Hello friends, welcome to our YouTube channel Phone Fix Hyderabad. जैसे कि मेरे साथ है सगीर सर, आप देख रहे हैं जो कि आपके हार्डवेयर मास्टर है, और मेरा नाम तो जानते ही आप फिरोज, जो कि आपको यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ मैं यहाँ पे वीडियो लेकर आता हूँ। और आज भी हम एक हमारे पास मोबाइल आया है, MI का एक हैंडसेट है जो कि Redmi 3S Prime हैंडसेट है, और इसमें अभी प्रॉब्लम यह है फ्रेंड्स, इसमें टच काम नहीं कर रहा है, जो कि हम प्रॉपर पूरा आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताए हैं DSO से चेक करके कि कैसे इसका क्लॉक और डाटा लाइन को चेक करना है, या फिर DSO का कैसा इस्तेमाल आपको करना है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में बताए हैं। और टच की जो सप्लाई होती है सारे पिनों के बारे में डिटेल इस वीडियो में दिए हैं, एक एक सप्लाई को चेक करके बताए हैं, उसका कूल टेस्टिंग, उसके GR कितने आ रहे हैं, उसमें वैल्यू क्या आ रही है, या फिर उसमें हॉट टेस्टिंग में उसमें वोल्टेज कितना आ रहा है, ये सब कुछ इस वीडियो में हमने बताया है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए और बिल्कुल स्किप मत करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपना नीचे प्यारा सा कमेंट जरूर दें। और इस तरह की एक प्रॉपर एक प्रोफेशनल वे में आप कर काम सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद, डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, कॉल करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं और अपनी सीट कंफर्म करा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास Redmi 3S Prime हैंडसेट है, और अभी यहाँ पे टच को एक बार चेक करते हैं, एक बार मैं बताना चाहूंगा इसमें पत्ता इसका टच का लगा है कि नहीं लगा है। तो यहाँ पे फीचर साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका पत्रा जो है टच का पत्ता लगा हुआ है, और यहाँ पे मैं आपको सामने बताना चाहूंगा, ये देख सकते हैं टच हमारा बिल्कुल भी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड जब आपके पास इस तरह से प्रॉब्लम आती है तो बेसिकली आप इसका डिस्प्ले बदल के देखते हैं, दूसरा डिस्प्ले लगा के चेक करते हैं। तो आज वीडियो में हम बताने वाले हैं कि प्रॉपर आपको चेकिंग कैसे करना है। तो चलिए सर सबसे पहले मोबाइल को ऑफ कर लेते हैं, और सबसे पहले जब हम मोबाइल रिपेयर करते हैं तो कूल टेस्टिंग करते हैं कि जो टच की सब जो सप्लाई होती है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास स्कीमेटिक डायग्राम 3S Prime का यहाँ पे खुला हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो कनेक्टर लगा हुआ है आपको देख सकते हैं 1 से लेकर 6 पिन इसमें है, और एक नंबर जो है फ्रेंड्स इसकी VREG L10 2.8 की सप्लाई है जो कि सीधा पावर एसी से आती है। इसके बाद दो नंबर पे इसके सीरियल क्लॉक की सप्लाई है जो कि I2C लाइन है, और 3 पे इसके SDA है सीरियल डाटा जो कि इसकी I2C सप्लाई है जो कि TP टेस्ट पॉइंट टच के लिए आती है जो कि CPU से। उसके बाद INT सप्लाई है 4 नंबर पे, और 5 पे रीसेट नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे है, और 6 नंबर इसका ग्राउंड है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चेक करते हैं, सारे पिन पे कूल टेस्टिंग करेंगे और सब पे वैल्यू देखेंगे, GR देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कनेक्टर बता रहा हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं, और मल्टीमीटर को आपको रखना है यहाँ पे बजर मोड पे जैसे कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा ग्राउंड किस साइड है। चलिए सर पहले ग्राउंड कहाँ पे बता दीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, जैसा कि 6 नंबर अगर हम इस साइड से देखते हैं तो 6 नंबर हमारा ग्राउंड है, तो ये तो ग्राउंड है। और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 पिन पे हमको वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा रीसेट सप्लाई है, उसके बाद INT है, उसके बाद सीरियल डाटा है, उसके बाद क्लॉक है, और यहाँ पे 2.8 जो कि VREG लाइन है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 नंबर पिन चेक करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं तो VREG पे आपको यहाँ पे 462 रीडिंग आ रही है, यानी ये सप्लाई हमारी ओके है, यहाँ पे हमको वैल्यू मिल रहा है। तो चलिए अब 2 नंबर पिन देखते हैं हमारी जो कि क्लॉक की सप्लाई है। तो क्लॉक की सप्लाई पे हमने प्रोब लगा लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 515 के आसपास रीडिंग आ रही है, मतलब ये लाइन भी हमारी ओपन नहीं है। इसके बाद हम डाटा की सप्लाई देखते हैं, 3 नंबर पे हमारी डाटा सप्लाई है, जैसे कि यहाँ बताना चाहूंगा 3 नंबर डाटा है हमारा। तो चलिए डाटा पे देखते हैं, तो डाटा के पास भी आपको 545 के आसपास वैल्यू मिल रहा है, मतलब डाटा की लाइन भी हमारी ओके है। तो नेक्स्ट हमारा INT है, उसके बाद रीसेट है।
तो चार नंबर पिन देखते हैं जो कि INT सप्लाई है। तो चार नंबर पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कूल टेस्टिंग में कोई लाइन ओपन नहीं है, यहाँ पे भी हमको 490 के आसपास वैल्यू मिल रही है। तो चलिए अभी लास्ट जो हमारी रीसेट सप्लाई है इस पे भी चेक कर लेते हैं। तो ये टच पॉइंट के लिए रीसेट सप्लाई है, तो यहाँ पे आप फ्रेंड देख सकते हैं ये भी सप्लाई हमारी ओके है, कोई लाइन यहाँ पे ओपन नहीं है, मतलब यहाँ पे 5 के 5 लाइन पे हमको वैल्यू मिल रहा है। तो चलिए एक बार मोबाइल को ऑन करते हैं, ऑन करके अब हॉट टेस्टिंग में चेक करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को हमको रख लेना है DC20 में, जैसा कि आप देख सकते हैं DC20 में हमने रख लिया है। और अभी हम हैंडसेट को यहाँ पे आप देख सकते हैं टच का पत्ता हम लगा रहे हैं, और टच का पत्ता कनेक्ट कर देना है आपको यहाँ पे। और इसके बाद हम यहाँ पे वोल्टेजेस चेक करेंगे, किसी पे वोल्टेज तो नहीं आ रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि GR तो मिलते हैं, वैल्यू तो वहां पे हमको मिलती है लेकिन वोल्टेजेस नहीं आते हैं। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को मैंने DC20 पे लगा लिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं VREG की जो सप्लाई है, यहाँ पे हमको 2.8 मिलने चाहिए और बाकी चारों पे आपको 1.8 की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि वोल्टेजेस तो कहीं नहीं आ रहे हैं, तो हम वोल्टेज बाईपास कर सकते हैं इसका, या फिर देखते हैं DSO हमारे पास है, DSO से हम सिग्नल चेक करेंगे I2C लाइन के और INT और रीसेट लाइन के, देखते हैं यहाँ पे कौन सी लाइन हमारी यहाँ पे मिसिंग है। तो सबसे पहले सर हम इसमें वोल्टेजेस चेक करेंगे जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हैंडसेट हमारा ऑन हो चुका है, और यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, थोड़ा सा डिस्प्ले में थोड़ा सा नीचे करिए सर। तो ये हमारा टच का पत्ता है, तो राइट साइड से पहली पिन है, तो यहाँ पे 2.8 वोल्टेज आने चाहिए हमको, जैसा कि तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 2.8 वोल्टेज हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो चलिए ये VDD जो पावर IC से लाइन है ये हमारी ओके है। उसके बाद क्लॉक की सप्लाई में चेक करते हैं दो नंबर में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे दो नंबर में भी आपको वोल्टेज आ रहा है, मतलब क्लॉक की सप्लाई भी यहाँ पे ओके है। चलिए तीन नंबर चेक करते हैं डाटा पिन, और यहाँ पे तीन नंबर पे देखते हैं तो फ्रेंड जैसा आप देख सकते हैं यहाँ भी 1.8 के आसपास वैल्यू आ रही है, मतलब डाटा की लाइन भी हमारी ओके है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं INT सप्लाई है और उसके बाद रीसेट है। तो यहाँ पे चार नंबर पे चेक करते हैं जो कि INT सप्लाई है हमारी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं INT पे भी हमको यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, ये भी लाइन हमारी ओके है। इसके बाद फ्रेंड्स पांच नंबर चेक करते हैं जो कि रीसेट की सप्लाई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स रीसेट में भी हमको यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। तो सगीर सर जैसा कि मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पे कोई भी लाइन ओपन नहीं है, ठीक है, लाइन भी ओपन नहीं है, कूल टेस्टिंग में वैल्यू मिल रहा है, और हॉट टेस्टिंग में अगर हम बात करें तो हॉट टेस्टिंग में वोल्टेज भी आ रहा है, मतलब पावर से वोल्टेज भी आ रहा है और कूल टेस्टिंग में वैल्यू भी मिल रही है जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे सिग्नल लाइन का प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा होगा, या तो फिर CPU रिवॉल्व करना पड़ जाए। तो ऐसे में अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो लड़के जो है कभी पावर बदल देते हैं, कभी CPU रिवॉल्व कर देते हैं, कभी डिस्प्ले बदल के देखते हैं, इसके बाद वो डायरेक्टली स्वाइप भी कर देते हैं। तो यहाँ पे अब ये किस तरह से प्रॉब्लम आती है, क्यों आती है, थोड़ा सा बताइए सर। इसमें जो सिग्नल है कहीं से हमारा सिग्नल जो मिस कर रहा है, और सिग्नल जानने के लिए हमारा मल्टीमीटर जो ये इतना एडवांस होता नहीं है, मल्टीमीटर से सिर्फ हम GR और वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। अब सिग्नल को चेक करने के लिए अपने को जरूरत पड़ेगा DSO का जी, ठीक है जी। इसलिए अभी DSO से चेक करेंगे क्या सिग्नल आ रहा है या सिग्नल नहीं आ रहा, या सिग्नल आ रहा प्रॉपर नहीं आ रहा, क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। तो अभी आइए DSO से आपको तो चेक करके इस वीडियो में सर हम ये बता रहे हैं कि DSO से कैसे आप ये टच की प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। प्रॉपर जानकारी के लिए, सीखने के लिए तो बच्चों को इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा, क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, तब आपको पूरे स्टेप 1 से लेके पूरा सोल्यूशन लाइव यहाँ पे क्लास में हम करके बताएंगे। तो ठीक है सर, चलिए यहाँ पे अब हम हैंडसेट में जब वोल्टेज भी ओके है, GR भी ओके है, तो एक बार मोबाइल को ऑफ करते हैं और ऑफ करके ऑन करेंगे और DSO से चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे सिग्नल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। I2C लाइन चेक करेंगे, INT और रीसेट लाइन चेक करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड DSO की पूरा प्रॉपर जानकारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं PhoneFix हैदराबाद, डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, और स्कीमेटिक की प्रॉपर नॉलेज, इंटरनल सर्किट, एक एक सप्लाई की नॉलेज के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा PhoneFix हैदराबाद, जहां पे आपको पूरा इंटरनल सर्किट प्लस DSO से सिग्नल मेजरमेंट, वोल्टेज मेजरमेंट सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाएगा। एक प्रॉपर क्लास होती है आपकी, जहाँ पे आपको 10 घंटे की क्लास होती है, जिसमें A to Z आपको सिखाया जाएगा, बेसिक्स से लेके एडवांस लेवल तक आपको सिखाया जाएगा।
यहाँ पे फ्रेंड्स इस हैंडसेट में जैसा कि आपने देखा कोई लाइन ओपन नहीं है, किसी पे वोल्टेज भी मिसिंग नहीं है, लेकिन फिर भी टच काम नहीं कर रहा है। और ये जो टच है फ्रेंड्स हमारा ओके हैंडसेट का टच है, ऐसा नहीं है कि डिस्प्ले में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम फाइंड आउट कैसे करना है प्रॉब्लम ये बता रहे हैं आपको, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जब फोन को ऑन करेंगे और हमारा टच चाहे सही है या खराब है, अगर हमारा टच खराब है या टच ओपन है, एक बार सिग्नल आएगा, एक बार मिली सेकंड के लिए सिग्नल आएगा जो आपको यहाँ डिस्प्ले पे दिखेगा जी। सिग्नल आना चाहिए, अगर हमारा बोर्ड सही है, मदरबोर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बार मिली सेकंड के लिए सिग्नल आएगा जिसको आप हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। अगर सिग्नल नहीं आया तो फिर ये मदरबोर्ड का ही फॉल्ट होगा, मदरबोर्ड से रिलेटेड जी। तो यहाँ पे आपको अंदाजे पे डायरेक्ट डिस्प्ले चेंज करके देखना नहीं है, हम इसी में हम चेक कर सकते हैं कि हमारा डिस्प्ले ओके है कि नहीं है। ऑन कर लिया जी सर, और इसको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स डीएसओ से हमने कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे क्लॉक या डाटा की सप्लाई वोल्टेज अपना शो कर रहा है। यहाँ जो वोल्टेज है 1.8 वोल्ट का ये लाइन है, वोल्टेज शो कर रहा है। एक बॉक्स हमारा 1 वोल्टेज का है और 1.8 हमारी लाइन यहाँ पे आ रहा है, मतलब वोल्टेज तो आ रहा है सर, ये तो हमने मल्टीमीटर में भी देखा था, लेकिन यहाँ पे ऑन करने के टाइम पे जो सिग्नल आके जाने चाहिए क्लॉक और डाटा के, वो नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, ये सिग्नल अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी आप कौन सी लाइन चेक किए सर, थोड़ा सा ऊपर बताइए। जैसे कि यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा, ऊपर ये क्लॉक की सप्लाई है जो कि यहाँ पे मिसिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें डाटा की सप्लाई भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि 3 नंबर हमारी SDA लाइन है, सीरियल डाटा की लाइन, तो डाटा में भी हमको कोई भी यहाँ पे सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। तो ठीक है, तो फ्रेंड जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई डाटा कोई सिग्नल यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड ऐसा अगर होता है तो बेसिकली आप करते क्या हो, या तो CPU डायरेक्टली रिवॉल्व कर देते हो, या तो पावर IC को रिवॉल्व कर देते हो, या तो चेंज करते हो। तो एक प्रॉपर आपको काम नहीं आता है, प्रॉपर जानकारी नहीं है, तो आप डायरेक्ट CPU पे चले जाएंगे या तो पावर चेंज कर देंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको यही बता रहे थे कि इसमें फॉल्ट DSO से कैसे जानना है, और अब हम इसको रिपेयर करेंगे, और रिपेयर करने के बाद आपको बताएंगे कि इसमें हमने कैसे फाइंड आउट किया है, कैसे इसको सॉल्व किया है। ये सब सीखने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा फोन फिक्स हैदराबाद। तो जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहां पे हम हैंडसेट को यहाँ पे PCB को फिट कर लेते हैं हमारे फोल्डर में, और अभी चेक करते हैं यहाँ पे, आपको बताएंगे DSO से भी जो सिग्नल हमारे जो नहीं आ रहे थे वो भी आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि पहले लाइन बिल्कुल भी ओपन नहीं थी, जैसा कि आपने देखा वोल्टेज भी आ रहे थे, कूल टेस्टिंग में वैल्यू भी आ रही थी, लेकिन हमने इसको कैसे फाइंड आउट किया, कैसे हमने इस पर काम किया, ये सब कुछ सीखने के लिए आपको फोन फिक्स हैदराबाद ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ पे एक सर्किट लेवल की नॉलेज आपको देते हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका टच का बेल्ट लगाते हुए, और जो लेटेस्ट हैंडसेट में फ्रेंड जो टच की सप्लाई होती है या सैमसंग में होती है, तो उसमें क्या डिफरेंस है आपको क्लास के अंदर बताएंगे कि 4G हैंडसेट में या फिर लेटेस्ट वाले जो हैंडसेट है उसमें सप्लाई में क्या चेंजेस होते हैं। क्योंकि ये जो कनेक्टर है आप देख सकते हैं 6 पिन का है, इसके अलावा 10 पिन का भी आता है, और यहाँ पे ये सेपरेट है कनेक्टर जो कि आप देख सकते हैं इसमें डिस्प्ले या फिर लाइट के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो पूरी एक प्रॉपर जानकारी के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा फोन फिक्स हैदराबाद, जहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल वे में काम सिखाया जाएगा। तो बेसिकली जैसे हमने पहले देखा यहाँ पे वोल्टेजेस तो आ रहे थे, एक बार फिर से वापस से आपको चेक करके बता दूंगा, जो कि पहली लाइन हमारी 2.8 की लाइन है, जो कि VDD 2.8 जो कि पावर IC से आती है, ठीक है। 2 नंबर हमारा क्लॉक सप्लाई, जो कि क्लॉक पे ऑलरेडी वोल्टेज आ रहा था, अभी भी वोल्टेज आ रहा है जैसे कि देख सकते हैं। 3 नंबर डाटा सप्लाई हमारी, सीरियल डाटा, जो कि डाटा में भी हमारा वोल्टेज आ रहा है प्रॉपर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 4 नंबर जो है INT सप्लाई है हमारी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे INT में भी वोल्टेज आ रहा है, और अभी रीसेट लाइन है हमारी 5 नंबर, और रीसेट लाइन में भी वोल्टेज आ रहा है जैसा कि अभी देख सकते हैं। तो चलिए अभी DSO से हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम DSO से आपको बताना चाहेंगे, पहले मोबाइल को बंद करते हैं और बंद करके ऑन करते हैं, और ऑन कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे पहले कोई सिग्नल नहीं आ रहा था, तो अभी देखते हैं
कि हमारा सिग्नल जो है कि ऑन होने के समय आना चाहिए, वो सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हम सबसे पहले डीएसओ में देखते हैं। उसके बाद फिर हम डिस्प्ले को ऑन करके चेक करते हैं कि हमारा टच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, अभी हैंडसेट को ऑन करेंगे तो जैसा आप देख सकते हैं ये मोबाइल को ऑन करते हुए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार हमारे सिग्नल आके जाएंगे, वोल्टेज तो हमारा 1.8 हो गया। ये देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी सिग्नल यहाँ पे आके गए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड जो पहले सिग्नल नहीं आ रहे थे, और अभी आपने जैसा देखा कि मोबाइल को हम ऑन कर रहे हैं और ऑन करने टाइम पे एक मरतबा सिग्नल आके गए हैं। अब मोबाइल को पूरा ऑन होने देते हैं, और ऑन होने के बाद यहाँ पे हम हैंडसेट को चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो प्रोब है हम वापस से लगा लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारा टच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आप देख सकते, थोड़ा ऊपर करिए सगीर सर, हाँ, यहाँ पे हम क्लॉक लाइन पे लगा लेते हैं 2 नंबर पिन के साथ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये देख सकते हैं हमारा टच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा टच काम कर रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और क्लॉक की जो पल्स है फ्रेंड्स पहले बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हम टच कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्लॉक के सारे पल्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं और हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अभी हम डाटा लाइन भी आपको एक बार चेक करके बताना चाहेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा एक बार, डाटा का जो पिन है हमारा 3 नंबर का पिन है, तो 3 नंबर पिन के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पे मैं आपको डीएसओ में बताना चाहूंगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं डाटा की जो सिग्नल लाइंस है ये बिल्कुल डिफरेंट होती है क्लॉक से। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे आज डीएसओ का इस्तेमाल करके हमने आपको बताने की कोशिश की है, साथ में डायग्राम यहाँ पे हमने खोल के रखा है। तो ये एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन आपको अगर बनना है तो ज्वाइन कर सकते हैं फोनफिक्स हैदराबाद। इस तरह से आप प्रॉपर वे में अगर आपको काम सीखना है तो आपको एक एक लाइन एक एक सप्लायरों की नॉलेज यहाँ पे दी जाती है। तो जैसा हमारा डीएसओ में हम देख सकते हैं, जैसे हम टच को काम करते हैं यहाँ पे हमारा क्लॉक और डाटा की सप्लाई आ रही है। तो एक प्रॉपर वे में आपको डीएसओ को कैसे सीखना है ये हम क्लास में बताएंगे। ज्वाइन कर सकते हैं फोनफिक्स हैदराबाद, डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। और इसी तरह से अगर आईफोन की अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है, हर महीना 15 तारीख से हमारा बैच होता है, नेक्स्ट बैच 15 अक्टूबर से है, बहुत ही लिमिटेड सीट्स है। अगर आप चाहो तो कॉल करके आईफोन का काम सीख सकते हैं, पूरा सीपीयू लेवल का काम हमारे यहाँ पे होता है। जैसे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आईफोन 7 मेरे साथ है, और यहाँ पे है अरशद जो कि राजस्थान से, और अभी इसका यहाँ पे सीपीयू निकाल के लाइव इन्होंने लगाया जैसा कि वीडियो में आपने देखा होगा, और यहाँ पे ये हैंडसेट को ऑन करते हुए। तो चलिए चेक करते हैं इनका प्रॉपर पूरी तरह से हैंडसेट ऑन होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे डीसी में आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि देख सकते हैं प्रॉपर बूटिंग लेते हुए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आईफोन लोगो यहाँ पे आ चुका है। इसमें अरशद इसमें क्या किए थोड़ा सा बताइए। सर मेरा ये खुद का एक बोर्ड था, इसके अंदर ये टूट गया था। अच्छा, आप अपना साथ में लाए हैं जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोर्ड इनका टूटा हुआ बोर्ड है। तो यहाँ पे इन्होंने आपने स्वाइपिंग की, इसने मतलब पूरी स्वाइपिंग की है। आप खुद निकाले इसके सीपीयू वगैरह जी सर। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हैंडसेट इनका ऑन हो चुका है। ये तो एक बार जोरदार इनके लिए थोड़ा सा क्लैप्स कर दीजिए सब लोग। आप भी साथ में है, सारे स्टूडेंट्स आप भी साथ में है ना इनके जी, जी, जी। आप भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट कर ही रहे हैं। ठीक है, तो अरशद ये बताइए, आपका खुद का बोर्ड था राजस्थान से आप लाए थे, तो यहाँ पे आप स्वाइप कर दिए, 1 टाइम में सक्सेस हो गया आपका जी। कैसा फील कर रहे हैं आप थोड़ा सा बताइए पहले। अभी कितना दिन का क्लास हो गया सर? आज 7 डेज कंप्लीट हो गए। 6 दिन 7 दिन कुछ हो गए, और पहले दिन भी आप एक सीपीयू सक्सेस करे थे A8 का, और अभी ये A10 कर दिए। तो क्या कहना चाहेंगे ट्रेनिंग के बारे में, फोन फिक्स के बारे में, और कोई आना चाह रहे तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे थोड़ा सा बताइए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मुझे इस काम को करते हुए समथिंग हो चुके हैं 12 से 15 साल जी जी, लेकिन आज तक कभी मैंने एक सीपीयू के लिए कभी ट्राई नहीं किया जी। लेकिन सर ने जिस हिसाब से उन्होंने समझाया है, बताया है कि सीपीयू कैसे अपन को ब्लैक पेज कैसे रिमूव करना है, फिर कैसे इजी मेथड से सीपीयू बाहर निकालना है जी, वो सारे तरीके सर ने जैसे बताए वैसे उनके जैसे उन्होंने गाइड किया वैसे हमने उस काम को करा और वो सक्सेस हुआ है।
जी पहले भी आप ट्राई करते थे होंगे ऐसा सीपीयू वगैरह निकालने? एक बार ट्राई करा है लेकिन कभी सक्सेस नहीं। सीपीयू डैमेज हो जाता था होगा, खराब हो जाता था, डैमेज ट्रैक ओपन हो जाते थे। जी जी, लेकिन अब तो ट्रैक भी ओपन नहीं होते, पुराने बोर्ड से भी अगर कोई सीपीयू निकालते तो उसका ट्रैक भी पूरा रहता है, पूरा रहता है, कोई डैमेज नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरे पास देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये स्वाइपिंग के लिए जो बोर्ड है ये साथ में लाए थे, थोड़ा टूटा हुआ है। ठीक है अर्षद, तो जो सोच के आया था मिल रहा है आपको? उससे खुद कुछ बहुत ज्यादा ही। कैसा ट्रेनिंग, सर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सर सर के बारे में तो ये कहना चाहूंगा कि सर ने जो सिखा दिया ना वो लास्ट है जी। और थ्योरी का क्लास कैसा हो रहा है यहाँ पे? थ्योरी का क्लास भी बहुत अच्छा रहा है, दोनों समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि दोनों भी जरूरी है, हैंड स्किल के साथ साथ थ्योरी की, स्केमेटिक की, सर्किट की नॉलेज भी जरूरी है। तो दोनों समझ में आ रहा है आपको? अच्छे से समझ। जो सोच के आया था मिल रहा है? उससे कहीं ज्यादा। पैसा वसूल हुआ कि नहीं हुआ आपका? हो गया सर। हो गया, चलिए थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।